आरंभ होइछि मलमास जहाँकि आसंता अगस्त 16 जाए रहिब। मलमास रे भगवान शिव और विष्णु को पूजा करिबा शुभ बोली विश्वास रहिछि। मलमास को पुरुषोत्तम मास बोली कहा जाए। एहि मास रे अन्य मास तुलना रे मनस्कामना शीघ्र पूर्ण होइथाय। तेणु एहि मास रे किछि खास पूजा उपाय मध्य रहिछि। आपण एहि मास रे माता लक्ष्मी को निमित्त किछि खास पूजा करि परिबे। एमिति करिबा द्वारा आपणकर घरे धन सम्पत्ति बढ़ि जिवो। दर्शक बंधु धनी हेबाको समस्ते जानती, किंतु टंका भी एमिति जिनिस जहाँ सहजरे मिले नाही। प्रायतः अर्थ अभाव पाई लोकंकर अनेक समस्या देखा जाए। जदि आपणको सह एमिति होउछि तबे मलमासरे एहार समाधान करिनियंतु। एही उपाय आपणको टंकार अभावको निश्चय दूर करिब। मलमास गत जुलाई 17 तारिखरु आरंभ होइसारिछि जहाँकि अगस्त 16 पर्यंत रहिब। तबे एही मलमासरे समस्त शुभ कामको करिबाकु वर्जन करा जायछि, किंतु एही मासरे एमिति किछि काम रहिछि जहाँकु करिबा द्वारा आपणकर अर्थ अभाव दूर हेब। अर्थ अभाव को दूर करिबा पई आपण माता लक्ष्मी को पूजा करंतु। एहा सह भगवान विष्णुंकर मध्य पूजा अर्चना करि परिबे। पुरुषोत्तम मास हिसाब रे आपण विष्णुंक सहित जदि माता लक्ष्मीकर पूजा करंती तेबे शीघ्र मनस्कामना पूर्ण हेबो। एही समय रे एकादशी व्रत सबठु भल होइथाय। मलमास रे एकादशी व्रत करिबा द्वारा मृत्यु परे मोक्ष प्राप्ति होइथाय बोली विश्वास अछि। एहा सह बंचिथिबा पर्यंत सुख समृद्धि मध्ये होइथाय। आपण एही मास रे बरगछ को पूजा करिबा द्वारा बहुत पुण्य फल मिलिब। संध्या समय रे बरगछ तळे दीप लगाई पूजा करिबा उचित। एहा द्वारा सब असुविधा दूर होइजिव। एहा सह आर्थिक स्थिति रे सुधार आसिब, अर्थर आगमन हेबो। एमितिरे तो प्रतिदिन तुलसी गछ को पूजा करा जाए, किंतु मलमास रे एही गछ को पूजा करे दीप लगाइले खूब फायदा मिलिथाय। सब कष्ट दूर होइ जाए। धनर देवी स्वयं लक्ष्मी माताको प्रसन्न करिबा पई आपण लक्ष्मी स्तोत्र पाठ करंतु। एहाको पाठ करिबा द्वारा अचानक धन लाभ होइथाय। व्यक्तिंको जीवन रे सब सफलता मिलिथाय। ब्युरो रिपोर्ट, के न्यूज ओडिसा।